हाय व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीन्स कलरी कॉर्नर। आज मैं आपको बहुत ही स्पेशल सैंडविच की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि आपने ना कभी सुनी होगी ना कभी देखी होगी। और ये बहुत स्पेशल है, बहुत आसान है, घर में बच्चों बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। तो आए इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। मैंने लिए हैं 6 से 7 अदद आलू, 6 से 7 अदद ब्रेड पीस, मसालों में 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच पिसी लाल मिर्च, 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1/2 चम्मच धनिया दाना, 1/2 चम्मच कुटी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच काली मिर्च। साथ ही सलाद बनाने का कुछ ताज़ा सामान। फ्राई करने के लिए ऑयल और आलू बॉईल करने के बाद, सबसे पहले हमने आलू बॉईल करने हैं, और आलू बॉईल करने के बाद मैं आपसे वीडियो में मिलती हूँ। व्यूअर्स, इस टाइम आलू गल चुके हैं और आलू का देखें छिलका भी इस तरह खुद ब खुद उतर गया है। आपने आलू को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, क्योंकि ये बहुत नरम हो जाएंगे। आलू छीलने के प्रोसीजर के बाद इसकी मिक्सिंग मैं आपको दिखाती हूँ। व्यूवर, साथ ही हमने 2 अंडे भी लिए हैं। फ्राई करने के प्रोसीजर में ये 2 अंडे इस्तेमाल होंगे। जी व्यूवर्स, अब आलूओं को मैं एक बड़े बर्तन में मैश कर चुकी हूँ बॉईल होने के बाद। अब मैं इसमें ये तमाम मसाला जात जो मैंने आपको वीडियो के आगाज़ में बताया था, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच मिर्च, 1/2 चम्मच काली मिर्च, 1/2 चम्मच कुटी मिर्च और भुना हुआ ज़ीरा और धनिया दाना अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ। धनिया दाना और ज़ीरा को मैंने बाद में भुना है हल्का सा, और अब इसमें मैं कटा हुआ ताज़ा धनिया और कटी हुई हरी मिर्च, साथ ही बारीक कटी हुई ये सब्ज प्याज है, बारीक कटी हुई सब्ज प्याज है, और ये साथ ही उसके कुछ टुकड़े सब्ज प्याज के। और अब मैं इन तमाम मसाले को मिक्स करूंगी, आपको दिखाऊंगी। मिक्स करने के बाद मैं आपसे अगले प्रोसीजर में मिलती हूँ। जी तो व्यूवर्स, ये सारा मसाला अब आलू के मैश किए हुए आलू में मैंने मिक्स कर दिया है, आप जैसे देख सकते हैं। मैंने यहाँ आपसे एक बात शेयर करनी थी व्यूवर्स, ये जितना प्रोसीजर मैंने आपको बताया है ये आलू के कटलेट्स के लिए, यानी कि आलू की टिक्कियों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। आप चाहें तो टिक्कियाँ बना के इसे फ्रीज़र में 1 महीने के लिए रख सकते हैं, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होगा। आप चाहें तो इसे डबल रोटी के बीच में डाल के सैंडविच मेकर में भी डाल सकते हैं, ये उसके लिए भी बहुत अच्छा है। और आप चाहें तो इसमें चिकन के छोटे छोटे पीसेस डाल के उसके भी कबाब बना सकते हैं। तो ये जो मसाला है ये 3-4 तरीक़ों से आपके इस्तेमाल में आ सकता है, और आप इसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। साथ ही आप इससे आलू का पराठा भी बना सकते हैं, जो मैं आपको आगे वीडियोस में दिखाऊंगी। अब तो व्यूवर्स, साथ में आपको बताने लगी हूँ कि ये मैंने ले लिए हैं ब्रेड पीस, डबल रोटी के पीस मैंने पूरे पूरे लिए हैं। आप चाहें तो इसके ये किनारे कट कर सकते हैं, लेकिन मैं कट नहीं करूँगी और मैं इस डबल रोटी के पीस को ज़ाया नहीं करूँगी। मैं इसे इसी शेप में और या किसी और शेप में, जिस तरह यहाँ से आप बीच में चाहें बच्चों के लिए कर सकते हैं लंच बॉक्स के लिए, तो आप इसे यहाँ से बीच में कट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसमें करके दिखाती हूँ। जी व्यूअर्स, मैंने ब्रेड के पीस को इस तरह तिकोन की शेप में कट कर लिया है, और अब मैं आपको ये मसाला इस पर लगा के दिखाऊँगी।
और आपको बताऊंगी नेक्स्ट प्रोसीजर। तो आप ये देखिए, आप चाहें तो स्पून की मदद से, फोक की मदद से, या जैसे आप इजी समझते हैं उस तरह आप इसे लगा सकते हैं। मैं इसे इस वक्त फोक की मदद से लगा रही हूँ। आपने कुछ ब्रेड के साइज़ के हिसाब से इसे इस तरह फैलाते हुए ब्रेड पे लगा देना है। ये देखें, ये बहुत अच्छे तरीके से ब्रेड पे आप यूं किनारों से सारा लेके आप इसे लगा सकते हैं। व्यूवर्स, ये शाम के स्नैक के तौर पे। तो व्यूवर्स, मैंने ये तमाम ब्रेड पीसेस को और आलू के मसाले को ब्रेड पे लगा दिया है। अब मैं आपको इसके नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ लेके जाती हूँ, जो कि लास्ट प्रोसीजर है। व्यूवर्स, जो अंडे मैंने आपको दिखाए थे वो मैंने एक प्लेट में फेंट लिए हैं। अब मैं ये सैंडविच इस तरह अंडे में डिप करूंगी। और नेक्स्ट प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ। देखिए व्यूवर्स, इस वक्त ये मैंने दो सैंडविच फ्राइंग पैन में डाले हैं और ये इसे मैं लाइट सा आपको दिखाऊंगी, लाइट सा ब्राउन करूंगी। ये देखें, सैंडविच को जब हमने ब्रेड पे आलू लगाया उसे अंडे में डिप करने के बाद मैंने इसे फ्राइंग पैन में डाला है। व्यूअर्स, मैंने आपको ये दिखाना था कि देखिए ये बिल्कुल लाइट गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं और आपने इसे एक ही साइड से फ्राई करना है, दूसरी ब्रेड वाली साइड से आपने इसे फ्राई बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि ब्रेड जल जाएगी। ब्रेड के कलर को, ब्रेड के टेक्सचर को हमने ऐसे ही रहने देना है। हमने सिर्फ आलू वाली साइड से इसे अंडा लगा कर, उसे अंडे में डिप करके फ्राई करना है। ये देखिए, बहुत ही कम ऑयल में मैं इसे फ्राई कर रही हूँ, मैं इसे डीप फ्राई नहीं कर रही। ये देखिए, लीजिए व्यूवर्स, इस वक्त मेरे गोल्डन रॉक सैंडविचेस तैयार हैं। आप इन्हें जूस के साथ, चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ ले सकते हैं। साथ में आप इसे केचप, चटनी या फ्रेश सैलेड के साथ भी ले सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।